ओम शांति। स्वयं ईश्वर सिखाते हैं सहज राजयोग, उसका पार्ट है 6। सहज राजयोग कोई देहधारी मनुष्य नहीं सिखा सकता। उसके 6 पार्ट के अंदर हम आज देख रहे हैं राजयोग, आत्मा की आवाज, जीवन का मार्ग। आत्मा की आवाज और जीवन का मार्ग, इसको हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यदि मनुष्य इंद्रिय विषयों से स्वतंत्र गहरी शांति और शाश्वत आनंद की आकांक्षा रखता है, यदि उसका उद्देश्य इस जीवन और उससे परे के रहस्य को जानना और भगवान के साथ संबंध बनाना है, और यदि वे मन में आराम और शुद्ध रहना पसंद करता है, विचार में राजयोग ही मार्ग है। और राजयोग ही एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा वो अपने इंद्रियों विषयों से स्वतंत्र, क्योंकि आज मनुष्य इन इंद्रियों और विषय विकारों के वशीभूत हो गया है, उससे भी यदि स्वतंत्र होकर गहरी शांति और शाश्वत आनंद की आकांक्षा रखता है, की इच्छा रखता है कि मेरे को जीवन में क्या मिले, इन बंधन से मैं अपने आप को क्या कर सकूं, मुक्त कर सकूं, इसके मुक्त करना चाहता है, तब वो जो है ना अपने आप को कैसा समझेगा, उससे परे के रहस्यों को जानना और भगवान के साथ संबंध बनाना, उनके रहस्यों से अपने आप को अलग करना और भगवान के साथ क्या करना है, संबंध बनाना है। और यदि वे मन में आराम और शुद्ध रहना पसंद करता है, तो उसका विचार है, उसका तरीका है एक राजयोग। राजयोग के मार्ग पर चल करके ही हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। राजयोग व्यक्ति को अपनी इंद्रियों से दूर रहने और कछुए की तरह लंबा जीवन जीने में सक्षम बनाता है, सक्षम बनाता है। राजयोग के माध्यम से ही पूर्ण पवित्रता, शांति और समृद्धि की विश्व व्यवस्था पुनः स्थापित की जा सकती है, पुनः से दोबारा जो है ना उसे स्थापित किया जा सकता है। मतलब राजयोग ही एक ऐसी विधि है कि राजयोग के माध्यम से पूर्ण पवित्रता, शांति और समृद्धि की विश्व व्यवस्था फिर से स्थापन कर सकते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ये राजयोग परमपिता परमात्मा सिखा रहे हैं। यदि आपको कोई बात स्पष्ट ना हो रही हो, कोई प्रश्न हो, तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।